नबी के गुलामों की तादाद बहुत थोड़ी है। अबू सुफियान के काफिले वास्ते हजूर निकले हैं, तो कुछ लोगों की ख्वाहिश भी है कि असी लड़ाई ना लड़िए, असी काफिले को काबू करिए तो उसको माल हासिल करिए। लेकिन अल्लाह का फैसला है और मेरे नबी ने फरमाया कि नहीं, असी मुकाबले वास्ते जाना है। मदीना पाक तो 80 मील दूर बदर के कुएं से मुसलमानों की काफरों नाल लड़ाई है। जुमे वाला दिन आ गया, जुमे रात को मेरे नबी ने उठे मैदान का मुशाहदा फरमाया और अपने असा मुबारक नाल कुछ निशान लाए। निशान ला के फरमाया कल जंग होनी है तो अबू जहल कतल होना है तो इतने डिगना है। क्या दो सुबह कल जंग होनी है, अबू जहल कतल हो रहा है। कोई तारीख कोई किताब किसी को पूछिए तो सही कि की पता अबू जहल आ भी रहे या नहीं आ रहा, जंग होनी भी है या नहीं होनी, फिर अबू जहल ने कतल होना भी है कि नहीं होना। लेकिन मेरे रब की मर्जी भी यह आई तो मेरे मुस्तफा भी जानते हैं कि मेरिया सफर जो दो निके निके माल जो खड़े ना अड़ियां चुक के इन्होंने रब भेजे ही इस वास्ते कि मैं अबू जहल ने फिनार करना। वाकई तुम्हें याद आ गया होगा कि माल का जुर्माज अफरा के बेटे मेरे मुस्तफा सफा दोस्त फरमान के अड़ियां चुक के खड़े, उम्र की 9-10 साल के भाई है दोनों, अड़िया इस वास्ते चुप के खड़म के असी भी पूरे मुजाहिद लगीए। यार पहली लड़ाई है, इस तो पहले तो मुसलमान तलवार नहीं उठाई, बिहार से जुलम हों मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हजरत खुदाब से बाकी साहबा से खुद हजूर की जात से हजूर के घर वाले थे जुलम के पहाड़ तोड़े जा रहे तो कभी एक एक पत्थर भी नहीं मारे। तो यकदम मदीने आ गए तो उसे थोड़ी जी तादाद अजे तो सैट होने टाइम चाहते, लेकिन रब ने फरमाया कि हम पाबंदी उठा ली गई है और मुकाबला करना है। तो मुकाबला करने वास्ते शायद टूटिया तलवार सवारियां हैं कोई ना, पहला रमजान है उसे फर्ज हो मुसलमान रोजे भी रखे हो काफी रज के भी खाते पर पता लगा जो जंग जीतने वास्ते भुखे या रजे की गल नहीं है, नीयत नहीं, गल ईमान की ताकत की। ईमान हो गए, मैं पिछले जुमे से भी अर्ज किया कि रोजे नाल तो बंदे मरते तो नहीं, रोजा तो शफा सिर्फ गुनाहों से डाल नहीं। मैंने कल एक दोस्त ने कल शाम को अपने इलाके का बहुत से आदमी है मैं पूछ रहा मैं तुम शुक्र भी अगे है तो मैं अगर रमजान शरीफ है तो कभी शुक्र तो मैं परहेज भी कोई नहीं किया तो शुक्र कभी 90 तो उत्ते गए ही नहीं। सुभान अल्लाह। बंदे शायद कोई बोल गवाह भी हो जरा उत्ते मौजूद है जरा सुन रहेगा। मैं कहा 90 तो उत्ते कभी नहीं गई, बल्कि मैनू कोई शायद मिठी खानी पड़ती है कि नहीं लो ना हो जाए। कहते शुक्र तो चले रोजा नहीं रखते जी, मैं शुक्र है जी मैं रोजा रखा तो फिर मैं तो मर दिखना। तो शुक्र का इलाज ही तो नाल एक होर मौलवी साहब बैठे हुआ दिन चल साहब तुम रख के कर दी और बार रमजान है जो चेक करने की लड़ को ठीक हो गई। रोजे रखे हो अरब की गर्मी है तो दुश्मनों की तादाद 3 गुना ज्यादा, लेकिन ईमान की ताकत कितनी है और मावं केडियां शान वाली हैं जिन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए कि ये दो भाई मासूम 9-10 साल की उम्र अड़ियां चुक के खड़े सफा च। मेरे नबी ने फरमाया बेटे तुसी किवें आए हो, हुजूर असी भी जंग करनी है। नबी ने फरमाया कोई मजाक ते नहीं खेड ते नहीं जड़ी खेडा ना जाओ, क्योंकि तलवारा की चमकार होनी है, तन्ने से बाले चलने तीर चलने जवाना की मुठभेड़ होनी है, सीने के पास उन्होंने जोर लगना है। तुम कि आ गए मैं कहा जी तुम एक बार इजाजत दे फिर दसीए मुहम्मद के गुलाम के ताकत आ रहा है। हजूर अल्लाह सलाम ने फरमाया नहीं बेटा तुम वापस चलो कैंप